हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद्र धाकड़ एंड वेलकम टू धाकड़ एकेडमी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। परफेक्ट टेंस ऑब्वियसली नाम से प्रूफ हो रहा है कि ये परफेक्ट, कोई चीज़ जो परफेक्ट हो गई हो इस कॉल्ड परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट में हुई होगी जो चीज़ उसको हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले इस टेंस की आएंगे पहचान पर, आइडेंटिफिकेशन। क्या है इसका आइडेंटिफिकेशन? अगर किसी भी सेंटेंस या वाक्य के अंत में या लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है तो वो आपका क्या कहलाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लाइक वो खाना खा चुका है, तुम गाना गा चुके हो, वो किताब पढ़ चुका है, बारिश हो चुकी है। तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस तरह के जितने भी सेंटेंस आएंगे वो आपका कहलाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ऑब्वियस। अब हम आएंगे नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब। तो इसकी दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, हैज एंड हैव, हैज और हैव। तो हैज़ का यूज़ हम करेंगे फर्स्ट ग्रुप के साथ, मीन्स आपका ही, शी, इट, एनी नेम एंड सिंगुलर। हैव का यूज़ करेंगे हम सेकेंड ग्रुप के साथ, मीन्स आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल सब्जेक्ट, ऑब्वियस। जो हमने फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप माइंड में बिठा लीजिए, ध्यान रख लीजिए, क्योंकि इनके बिना कुछ नहीं होने वाला है टेंस में। अब आता है मेन वर्ब। तो देखिएगा, एक यूनिवर्सल रूल बता देता हूँ, एक ट्रिक बता देता हूँ, एक बात जो आपको याद रखनी है, जो आपको कभी टेंस में आपको धोखा नहीं देगी, वो है कि कोई भी परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो आपका प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर ही क्यों ना हो, सभी के परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हमेशा। वर्ब की थर्ड फॉर्म, चाहे वो कोई सा भी टेंस क्यों ना, तो इसमें भी हमारी वर्ब की जो मेन वर्ब रहेगी वो कहेगी वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्वियस। चलिए शुरू करते हैं हम सिंपल सेंटेंस से। सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले हम आएंगे फॉर्मूले पे। फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मीन्स हैज या हैव, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल है। चलिए शुरू करते हैं हम सेंटेंस से। मैं बिल पे कर चुका हूँ, मैं बिल पे कर चुका हूँ, या मैं बिल का भुगतान कर चुका हूँ। क्योंकि हम इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादातर वर्ड्स हम इंग्लिश के ही लेंगे। तो प्लीज़ इसका ध्यान रखें कि भुगतान करना या पे करना, इसमें ये नहीं सोचा कि हिंदी या इंग्लिश, आपको फोकस करना है इंग्लिश पे। मैं बिल पे कर चुका हूँ, तो आई इज़ अ सेकेंड ग्रुप, दैट्स वाई यहाँ पर हम यूज़ करेंगे हैव। आई हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, पे का होता है पेड। आई हैव पेड बिल, आई हैव पेड बिल। बारिश हो चुकी है, बारिश हो चुकी है, तो इट, बारिश यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं, इसलिए हम यहाँ पे इट यूज़ करेंगे। इट हैज़ रेंड, इट हैज़ रेंड, रेन का थर्ड फॉर्म होता है रेंड। वो जा चुका है, वो जा चुका है। He has gone, he has gone, he has gone. India match जीत चुकी है, India match जीत चुकी है, तो India has won the match, India has won the match. तो गाइस यहाँ पर मैं थोड़ा आपको रोकना चाहूँगा, लोग जनरली WON को won पढ़ते हैं, won, won means जीतना, बट यहाँ पर आपको बता दूँ कि गलत प्रोनाउंसिएशन है, won नहीं, यहाँ पर ये वन होता है, ओ एन ई वन जिसको हम पढ़ते हैं ना, वन मीन्स एक, वो ही, हाँ इसका प्रोनाउंसिएशन भी वो ही है वन। तो इंडिया हैज वन द मैच। तो होप यू गाइस आपको सिंपल सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस पर। नेगेटिव सेंटेंस यूनिवर्सल रूल आपका कि जब भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसके साथ हम नॉट ऐड कर देंगे तो आपका वो नेगेटिव बन जाएगा। जैसे कि फॉर्मूला लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम चाहें तो हैज़ नॉट, हैव नॉट की जगह हैज़न्ट या हैवन्ट बोल सकते हैं, बोलने में थोड़ा अच्छा भी लगता है। सेंटेंस पर आते हैं, बारिश नहीं हो चुकी है, बारिश नहीं हो चुकी है, तो इट हैज़न्ट रेंड, इट हैज़न्ट रेंड। वो नहीं जा चुका है, वो नहीं जा चुका है, तो ही हैज़न्ट गॉन, ही हैज़न्ट गॉन। मैं बिल पे नहीं कर चुका हूँ, मैं बिल पे नहीं कर चुका हूँ, तो आई हैवन्ट पेड द बिल, आई हैवन्ट पेड द बिल, आई हैवन्ट पेड द बिल। सो गाइस ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस पर। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस यूनिवर्सल रूल, जब भी हमें इंटरोगेटिव बनाना है हम क्या लेंगे? हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिया तो क्या होगा? Has या have, यानी कि helping verb plus subject plus verb का third form, then object and question marks, obvious. जैसे क्या बारिश हो चुकी है, क्या बारिश हो चुकी है,
Has it rained? Has it rained? क्या तुम बिल पे कर चुके हो? क्या तुम बिल पे कर चुके हो? Have you paid the bill? Have you paid the bill? क्या वो जा चुका है? क्या वो जा चुका है? Has he gone? Has he gone? तो गाइस ये आपका होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस. अब हम आते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस. तो यहाँ पे हम लेंगे हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर हैजंट हैवंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. क्या बारिश नहीं हो चुकी है? क्या बारिश नहीं हो चुकी है? तो क्या हो जाएगा? हैजंट या हैज इट नॉट रेंट. क्या तुम बिल पे नहीं कर चुके हो? क्या तुम बिल पे नहीं कर चुके हो? हैवंट यू पेड द बिल? हैवंट यू पेड द बिल? या हैव यू नॉट पेड द बिल? क्या वो नहीं जा चुका है? क्या वो नहीं जा चुका है? हैजंट ही गॉन? हैजंट ही गॉन? या हैज ही नॉट गॉन? सो गाइज इसी के साथ आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फिनिश हो गया है. और जो भी मैंने बातें बताई हैं, जो भी मैंने इंपॉर्टेंस चीज़ें इसमें बताई हैं, तो उसको ध्यान में रखें और वर्कशीट कंप्लीट करें. और जो भी आपको अच्छा लगे इस वीडियो में या जो भी आपको समझ में नहीं आया तो फीडबैक में ज़रूर बताएं. और गाइज प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें, आपको टेंस समझ में ज़रूर आएंगे. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग.